चुनावों के नजदीक हमीरपुर जिला में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं और खासकर महिला सम्मेलनों के माध्यम से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल सक्रिय हैं। बीजेपी ने जहां नदौन के कांगू में ही महिला सम्मेलन किया तो सुजानपुर में कांग्रेस ने महिला सम्मेलन का आगाज किया, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने शिरकत की। इस अवसर पर राजेंद्र राणा ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राणा ने पीएम मोदी को दिल्ली वाला मदारी कहा और कहा कि चुनावों के नजदीक दिल्ली से नेता जनता को गुमराह करने आते हैं और बाद में भूल जाते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर की जनता के काम बीजेपी ने नहीं करवाए हैं और हर वक्त राजेंद्र राणा ने ही लोगों की समस्याओं का निदान किया है। राणा ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि 4 साल पहले सुजानपुर चौगान में आकर घोषणाएं करके गए थे, लेकिन आज दिन तक पूरी नहीं हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर को आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करना ही प्रमुख लक्ष्य है। इसके साथ ही समाज सेवा एवं लोगों की समस्याओं को जल्द निवारण करना भी प्रमुख लक्ष्य है। राणा ने कहा कि सुजानपुर क्षेत्र में महिला मंडलों को चरणबद्ध तरीके से भवन निर्माण के लिए आर्थिक मदद प्रदान की गई है। वहीं पर सर्व कल्याणकारी संस्था की ओर से सुजानपुर क्षेत्र के 586 महिला मंडलों को 6 बार सम्मानित किया गया। महिला मंडलों को आवश्यक सामान भी उपलब्ध करवाया गया है और अब 7वीं बार महिला मंडलों को वाटर प्रूफ टेंट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि ग्रामीण स्तर पर सामाजिक या आर्थिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए महिला मंडलों को सुविधा मिल सके। राणा ने कहा कि सुजानपुर के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण को विशेष तरजीह दी गई है तथा 90 करोड़ की राशि सड़क निर्माण पर व्यय की गई है, जबकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सुजानपुर क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो भाजपा को जनता की याद आती है, जबकि चुनावों के बाद भाजपा के नेता गायब हो जाते हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि अब फिर दिल्ली तथा पंजाब के नेता हिमाचल के चक्कर काटने लगे हैं, लेकिन ये लोग कभी भी हिमाचल के लोगों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। राणा ने कहा कि प्रदेश में विकास के मुद्दे पर फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस की उपलब्धियों को लेकर गांव-गांव तक जाएं और कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए सबको प्रेरित करें। इस अवसर पर कांग्रेस के युवा सचिव अभिषेक राणा, जिला परिषद सदस्य गौरा देवी, बीडीसी के उपाध्यक्ष लेखराज ठाकुर, अनु देवी ने भी महिला सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली वाले मदारी यहाँ पर आ जाते हैं ग्राउंड में, तो कुंडली में जाते हैं। यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो भी 2014 में 16 फरवरी को यहाँ आए थे। पर 16 फरवरी के बाद तो नहीं आपका पूछने आए आपसे कि आए, आपको कोई समस्या हो रही तो रविंद्र राणा आपके घर पहुंचे, आपका हाल पूछा, आपकी तकलीफ के बारे में जाना, अगर उसका हल करने वाला तो हल किया। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? दिल्ली वाले नहीं आना, आपका हाल चाल पूछना है। दिल्ली वाले आएंगे पर भाषण देने के लिए आएंगे और सिर्फ आपका वोट मांगने के लिए आएंगे, परंतु तो जब आपको समस्या आएगी तो दिल्ली से आपका हाल चाल पूछने नहीं आएगा कोई भी। हाल चाल हम लोग पूछेंगे। फैसला आपने करना है कि रविंद्र राणा चुनाव लड़ता है तो रविंद्र राणा के आगे दूसरा कौन आदमी है उसमें आपको तुलना करनी है कि भाई आपके काम कौन कर रहे हैं, आपके काम कौन कर सकता है, इसकी तुलना आपने समाज में।